तो हाँ यार, कल मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। अब यार देखो, मेरे होम टाउन में ये मूवी नहीं लगी थी, सो मुझे 30 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ा। तो चलो डिस्कस करते हैं इस मूवी में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। हाँ टेंशन मत लो, ये बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होगा। पर्सनली बोलो तो ये मूवी इंटरटेनिंग थी, शुरू से एंड तक आप इन्जॉय करते हो, एक्शन सीन्स ऑसम थे, बैकग्राउंड म्यूजिक का इंटरेस्टिंग वे में यूज़ किया गया है, पर इन द इन ऐसा फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है। चलो पहले मूवी में क्या अच्छा था उस पर बात कर लेते हैं। अभी तक की जितने मॉडल मूवीज आपने देखे हैं उन सबसे डिफरेंट एक्शन सीन्स इसमें यूज़ किया गया है। मतलब किसी किसी सीन्स में ऐसा फील आता है कि मानो इसे थोड़ा और ब्रूटल होता तो मूवी आर रेटेड हो जाती। अब देखो ऐसा नहीं है कि मार्वल ने यह ब्लड पाथ किया है, बट इन कंपैरिजन टू अदर मार्वल मूवीज़ ये थोड़ा ज़्यादा ब्यूटल था। सेकेंड थिंग इज़ वांडा। पूरी मूवी वांडा के अराउंड ही थी, ऐसा फील ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। मुझे लगा ये वांडा इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। तो हाँ यार, आप डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखने जाते हो और स्टोरी किसी अदर कैरेक्टर पर बेस्ड होती है तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते। मुझे यही सही लगा कि इन्होंने वांडा को फुल पोटेंशियल में दिखा ही दिया। वांडा के एमसीयू में जो स्टोरी लाइन है उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा डेप्थ फील होता है। हाँ ये भी सही है कि मूवी देखने के लिए आपको वांडा विजन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखी होगी शायद उन्हें स्टोरी अच्छे से समझ में ना आए। नेक्स्ट थिंग जो मुझे अच्छी लगी वो VFX और स्पेशल इफेक्ट्स। और आप MCU की मूवीज़ में जो VFX और स्पेशल इफेक्ट्स एक्सपेक्ट करते हो इसमें आपको कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। आजकल की मैक्सिमम मूवीज़ में VFX और CGI का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, पर इस मूवी में ओवर VFX और CGI के यूज़ के बावजूद कहीं पर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर VFX थोड़ा वीक रहा हो या आपको अच्छा ना लगा हो। हाँ VFX और CGI का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। सिंस इस मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी है तो आप मूवी से हॉरर एलिमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब भले किसी सीन से इतना ज़्यादा डर नहीं लगे क्योंकि ऑडियंस इतना चिल्ला रही थी, पर इफ़ अकेले देखो तो शायद डर जाओ। हालांकि मूवीज़ में बैकग्राउंड म्यूजिक मेमोरेबल नहीं है, पर कुछ सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे यूज़ किया गया है कि मज़ा आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं कि मूवीज़ में क्या अच्छा नहीं लगा। सबसे पहला चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो था मूवी का लेंथ। मूवीज़ खत्म हो जाएगी और आपको लगेगा मूवी थोड़ी और लंबी होनी चाहिए। अब सिंस मूवी सिर्फ 2 घंटे की है तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी सब दिखा रहे हैं। मतलब आप ठीक से बैठते भी नहीं हो, लोग आ ही रहे होते कि मूवी के एक्शन सीन स्टार्ट भी हो जाते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे लगा अमेरिका चावेज़ की बैक स्टोरी थोड़ी अच्छे से दिखा पाते तो बेटर रहता। खैर वांडा तो यहाँ अपने एंगे वाले फॉर्म में है ही, जिन लोगों ने वांडा में से नहीं देखी होगी शायद उन्हें यहाँ थोड़ा समझ में ना आए। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है स्टोरी लाइन। बहुत ही लीनियर प्लॉट है, मतलब आप एंडिंग फर्स्ट हाफ के बाद ही गैस कर सकते हो, पर एक सिंपल स्टोरी को भी सैम रेमी ने इंटरेस्टिंग वे में दिखाया है। एंड इन जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो था कैमियोज। अब यार देखो गलती स्टूडियो की नहीं थी, इतने सारे रूमर्स फैन थ्योरीज आ रहे थे कि एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन आप उस एक्सपेक्टेशन के साथ मूवी देखने जाओगे तो आपको मिलेगा डिसअपॉइंटमेंट। तो हाँ यार मैं सजेशन दूंगा कि कैमियोज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, और हाँ जो भी कैमियोज मिले हैं उन कैमियोज के साथ इन्होंने जो किया है उससे भी शायद आप डिसअपॉइंट हो। ओवरऑल कंक्लूजन दूँ तो हाँ यार मूवी इंटरेस्टिंग थी, आप स्टार्टिंग से एंड तक मूवी को इन्जॉय करते हो, कहीं भी आपको बोरिंग नहीं होता है। पर्सनली मैं बोले तो आप मूवी एंजॉय करते हो, मतलब मूवी में एंटरटेनिंग फैक्टर तो है ही। तो हाँ ये था मेरा रिएक्शन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे। आपने मूवी देख ली या नहीं देखी तो कब जा रहे हो देखने कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए।